हरियाणा के पानीपत में सुप्रसिद्ध तथा 1008 स्वामी दयानंद महाराज ने लव जिहाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। स्वामी दयानंद का कहना है कि मुस्लिम अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए लव जिहाद कर रहे हैं, हिंदू लड़कियों को बरगला रहे हैं। स्वामी दयानंद महाराज ने कहा कि आफताब श्रद्धा केस में अगर सरकार आरोपी आफताब को कड़ी सजा नहीं देगी तो संत समाज खुद हत्यारे को सजा देगा। उन्होंने कहा कि हिंदू लड़के लड़कियों को जागरूक करने के लिए संत समाज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाएगा। बड़ा निंदनीय कर्म है और पूरा हिंदू समाज इसकी निंदा करता है और आप हम सब मिलकर के हिंदू समाज को जागृत कर रहे हैं कि आगे ऐसा घृणित कार्य न हो, और ऐसा घृणित कार्य होगा तो हिंदू समाज की तरफ से इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और हम इसके लिए समस्त हिंदू समाज को जागृत करेंगे। ऐसे आताइयों को हम स्वतः, ये सरकार दंड नहीं देगी तो हम स्वतः दंड देंगे। हाँ, युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद द्वारा, बजरंग दल द्वारा, अनेक संस्थाओं द्वारा, कि युवा पीढ़ी जागृत हो और पुनः ऐसे कार्य की पुनरावृत्ति न हो। हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो सकता है और अवश्य होगा यदि हम गीता पर चलेंगे और गीता के श्लोकों को अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित तौर पर हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा। लव जिहाद है और लव जिहाद का हम सब पूरा विरोध कर रहे हैं। जगह जगह हमने जा करके खुद लोगों को इस कार्य से रोका है, मतांतरण से रोका है, लव जिहाद से रोका है, और ये हमने खुद जा जा करके गाँव में ऐसे लव जिहाद को रोका है और ये हो रहा है और इसको हम पूरी तरह से रोकने की कोशिश करेंगे। ये लड़कियों को लव जिहाद की जो कोशिश की जा रही है ये मुस्लिम समाज के द्वारा की जा रही है, वो अपनी आबादी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं और इसके पीछे उनका बड़ा सुनियोजित कार्य है जिसका हम सब